सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बहुत बहुत जरूरी एक बात करने वाले हैं और आपको मैं कुछ प्रैक्टिकली सिखाने भी वाला हूँ, यानी कि हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि ओ मेल अकाउंट की। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है वो मैंने क्यों लगाया है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज यही है कि यहां पर हम अपनी स्क्रीन को शेयर नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप आपको हम स्क्रीन शेयर करके नहीं समझा सकते। कुछ सिक्योरिटी पर्पज से है, कंपनी की तरफ से अलाउ अभी नहीं है, आने वाले दिनों में जो है सब कुछ अलाउ होगा। तो यहाँ पे ओ मेल का जो अकाउंट है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पहले से बना करके अपना ओ मेल का अकाउंट रख लिया है। जैसे कि मैंने लगभग आज 7-8 महीने पहले मेरा ओ मेल का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो यहां पर ओ मेल का जो अकाउंट है, अकाउंट बनाने का मतलब यही है कि आपको बस एक ईमेल आईडी की तरह आपको ओ मेल की आईडी को क्रिएट करना है। ओ मेल की आईडी इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि हमारे आने वाले टाइम के अंदर जो भी सिस्टम रहेगा, जो भी काम रहेगा, वो सब ओ मेल आईडी से ही ओपन होने वाला है। तो ज्यादा नहीं, बिल्कुल 6 स्टेप हमें इसके अंदर फॉलो करने हैं और वो 6 स्टेप्स बहुत ही आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, क्रिटिकल चीज नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो बस उस चीज की शुरुआत हो चुकी है जिस दौर से जो है कंपनी को अब अपनी शुरुआत करनी है। जस्ट अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, ये पहला स्टेप है कि हाँ ओ मेल अकाउंट सभी को क्रिएट करना है, जितने भी लोग हैं और आने वाले टाइम में जितने भी रीसेलर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनको भी ओ मेल अकाउंट से ही अपना सारा काम करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉलो करते हैं अपने वो 6 स्टेप, वो क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंगोला और आप जुड़े हो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। यहां पर आपको ऑन पैसिव के रिगार्डिंग ऑथेंटिक, रियल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे आपको मिलती है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने का मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने वाले हैं, पूरी तरीके से प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या ओपन करना है, पहला स्टेप फॉलो करना है, अपनी बैक ऑफिस की जो आईडी है उसको ओपन करना है। जस्ट सिंपल, कई दिनों से हम दिन में 3-4-5-5-10 बार हम ओपन करते हैं, तो बस वैसे ही ओपन करना है पहला स्टेप। जैसे ही हम अपने बैक ऑफिस की आईडी को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारा डैशबोर्ड हो गया, हमारा अपडेट हो गया, और अपडेट के नीचे कुछ प्रोडक्ट के नाम भी आ रहे होते हैं, जैसे कि ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट वगैरह वगैरह, और उसके सामने बीटा करके बाहर अंदर बाहर निकल रहा होगा। तो उसमें जो है आप क्लिक करना है आपको ओ मेल। जी हाँ, ये जो ओ मेल है, इस ओ मेल पे आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस ओ मेल पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहां पे शुरू होती है अपनी एक नई प्रक्रिया। यहां पर ओ मेल का पेज ओपन होना, ओ मेल का पेज बाद में ओपन होगा, सबसे पहले अब जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा सिग्नेचर का। जैसे ही आप ओ मेल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर नहीं किए क्योंकि इसके अंदर सिग्नेचर करना ज्यादा जरूरी है, यानी कंपलसरी है। यानी कि एक नया पेज ओपन होगा जिसमें बहुत सारी जो है टर्म एंड कंडीशंस वगैरह लिखी होंगी। ये हमारा तीसरा स्टेप होगा, यहाँ पे बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होंगी, उसमें आपको एक सिग्नेचर भी करने होंगे। सिग्नेचर का मतलब है कि वहां पे आपको जस्ट नाम टाइप करना होगा। तो यहाँ पे दो आपको इस टाइप से ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें आपको टिक करना है और नीचे आपको यहां पर एक कॉलम मिलेगा सिग्नेचर का। तो यहां पे जस्ट आपको अपना नाम लिख देना है, उंगली से नहीं लिखना है, जस्ट टाइप कर देना है नाम, और टाइप करने के बाद आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा एक यहां पे नया पेज ओपन होता है। जी हाँ, एक हमारा एक नया पेज ओपन होता है यहां पर, और यहां पे आपको क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना है। जी हाँ, क्रिएट बटन होगा तो उस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि हमें ओमेल आईडी को क्रिएट करना है, ओमेल आईडी को बनाना है। और जैसे ही हम ओमेल आईडी पर जो है क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद एक नया ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बना हुआ ही आएगा। अब किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति की आईडी है, यहां पर जीमेल आईडी की बात कर रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति की आईडी है यहां पर जैसे vikas123@gmail.com, किसी की आईडी, जैसे आपने अपनी बैक ऑफिस को ऑन किया तो आपने अपनी ईमेल आईडी को उसमें डाला होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि vikas123@gmail.com ये उसकी ईमेल आईडी है। क्रिएट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली
ओमेल आईडी बनी हुई आपकी आ जाती है बाय डिफॉल्ट। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा विकास 123 एट द रेट ओमेल डॉट एआई, ये लिखा होगा उसमें, क्या लिखा होगा विकास 123 एट द रेट ओमेल डॉट एआई, यानी कि ये डिफॉल्ट में रहेगा पूरा, ये ऑप्शंस क्या रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। जैसे कि आप ईमेल जीमेल आईडी की, आप जीमेल आईडी को क्रिएट करते हैं तो उसमें भी @gmail.com बाय डिफॉल्ट रहता है। पहले आप अपना कुछ भी भर करके अपनी जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे जो ऑन पैसिव में जो ओमेल है, तो जो ओमेल क्या कर रही है अभी इस समय कि हमारी जो ईमेल आईडी है, जो अभी जीमेल वाली आईडी है, उसी का ही नाम यहां पर बाय डिफॉल्ट वो दिखा रही है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारा एडिटिंग फॉर्म में रहेगा, किसमें रहेगा, एडिटिंग फॉर्म में रहेगा। अगर आप इसको चाहें तो यहां से अपना ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए जो आपकी ई जीमेल आईडी में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर कंटिन्यू, आपका एक बटन होगा, जी हां एक कंटिन्यू बटन होगा, उस कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, बिल्कुल जैसे ही आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहां पर ओ मेल की आईडी आपकी यहां पर क्रिएट हो जाती है विकास एट द रेट ओमेल डॉट ए आई, ये आपकी ओमेल की आईडी यहां पर क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्रिएट हो जाती है। इट मीन्स अगर आपको यहां पे चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप, मैं तो ये कहूंगा कि जिस नाम से जीमेल आईडी है उसी नाम से आप रहने दो। बाद में जब ओबीएस के अंदर एंटर होंगे तो वहां पे कुछ हमारी और भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप और भी बना पाएंगे हमारे ओमेल के प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां पर इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करके, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और ये आपका पांचवा स्टेप और ये आपका कंटिन्यू वाला छठा स्टेप, जी हां ये आपके छह स्टेप हो गए। इन छह स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ओमेल का आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपकी ये जो ईमेल आईडी, सॉरी हाँ ये वाली जो आपकी ओमेल आईडी यहां पे जो बन चुकी है, ये ही आपकी अब पूरे ऑन पैसिव में जो है काम आने वाली है। पूरे ऑन पैसिव में जब भी आप कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, कुछ भी खोलेंगे प्रोडक्ट में, आपको कहीं पर भी ओमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी तो आप यहीं से अपना सारा काम कर सकते हैं। अब जब हमारा ओबीएस आएगा तो आपका जो बैक ऑफिस का इस समय जो पासवर्ड है, इस समय जो पासवर्ड है वही आप इसमें अपना जो पासवर्ड डाल करके अपना जो भी ओबीएस होगा उसको ऑन कर सकते हैं। अभी पासवर्ड चेंज करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं हो, ना ही इसमें कोई ऑप्शन है पासवर्ड को बनाने का। तो इस तरीके से ये 6 स्टेप फॉलो करके आप अपनी ओमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान है और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं आया है तो अब मैं क्या कह सकता हूं, क्यों नहीं आया समझ में, इतने इजी स्टेप्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रही होगी आई होप। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो फिर आप देख लेना, मुझे कॉल भी कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट कर देना, तो उसका हम रिप्लाई जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वी आर इन इट टू